है। सीएम गहलोत आज सीएमआर में सर्वदलीय बैठक लेंगे, जिसमें ईआरसीपी पर जारी सियासी डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश होगी। साथ ही वडोदरा के लिहाज से अहम इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग दोहराई जाएगी। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जयपुर संवाददाता दशरथ सिंह जुड़ चुके हैं। दशरथ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब ईआरसीपी को लेकर यहाँ पर काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, जहां पर आज बैठक भी होने वाली है, आम सहमति यहाँ पर बनानी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ईआरसीपी को लेकर लगातार केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर यह बैठक होगी। हालांकि बैठक में बीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचेंगे या नहीं, इस पर संशय है, क्योंकि बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप मढ़ रही है कि प्रदेश सरकार ने जो परिपत्र भेजा था केंद्र को, वो सही नहीं था। राष्ट्रीय योजना घोषित करने के लिए उसका अलग प्रावधान है। तो ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी के प्रतिनिधि शामिल नहीं हो, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, खासकर क्षेत्रीय दल है, उनके जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की मंशा है कि 13 जिलों को पानी मिले, और ये पानी के लिए जो राष्ट्रीय परियोजना को लेकर लगातार मांग हो रही है, इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने शाम 6 बजे बैठक बुलाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।